मान गई हैं। अम्मी आपको हाजरा खाला का फोन आया था? क्या फजूल बातें कर रही हो, इतनी देर हो गई, अपने कमरे में जाके तुम दोनों सो जाओ। तुम्हें भी कोई खुशी नहीं हुई? हाजरा खाला को आने दो, फिर बताऊंगी खुशी हुई या नहीं। बस दुआ करना तेरी बात पक्की हो जाए। हाँ बता रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं? बोले ना, क्या बात है? वो आज मेहमान आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कमरे में ही रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। गुलनाज उन्हें चाय दे देगी। अम्मी गुलनाज उन्हें चाय दे तो देगी, लेकिन मेरा सलाम करने के लिए आना तो जरूरी है ना। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलके चले जाएंगे, तुम्हारा आके मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम कमरे से बाहर आओ। अम्मी आप मुझे कोई वजह तो बताएं, आखिर आप ऐसा चाहती क्यों हैं? खुदा के वास्ते इतने सवाल मत पूछो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। अम्मी अम्मी सुने तो। तुम्हारी चचेरी बहन क्यों नहीं आई अभी तक? फहमीदा मैं तुम्हें कह देती हूँ कि वो आ रही है अपनी किसी सोची समझी साजिश के तहत। कई दिनों से मैं बुरे बुरे ख्वाब देख रही हूँ, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वैसे उसने आज कौन सी ऐसी अच्छाई कर दी है कि तुम उसकी मेज़बानी के लिए तैयार हो गई हो? अरे एक नंबर की दुश्मन है वो, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो कोई एहसास है ही नहीं। जान चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। जाओ, वो आ गई है तुम्हारी चचेरी बहन, जाओ। अस्सलामुअलैकुम खाला। अस्सलामुअलैकुम खालू। वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम घर पे क्या कर रही हो? तुम तो बीए नहीं कर रही थी, कॉलेज नहीं गई? जी कल पहला पेपर था ना, इसलिए आज छुट्टी है, दूसरा पेपर कल होगा। बड़ी बात है बड़ी बात है, यहीं खड़ा रखोगी? है अंदर नहीं बुलाना, माँ को बताओ हम लोग आए। जी जी आप अंदर आए, मैं मम्मी को बताती हूँ। अमजद कहाँ हो तुम यार? मैंने कहाँ पर जाना है, मैं यही हूँ अपने कमरे में। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? पता नहीं अमजद, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं इतना तैयार हुई थी खाला को मिलने के लिए, मगर मगर क्या बोलो भी। अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया मुझे खाला वगैरह से मिलने के लिए। ऐसा क्यों कहा खाला ने? क्या तुम उनसे मिलोगे भी नहीं? अम्मी कह रही थी कि जब तक वो घर में रहे मैं कमरे में बंद रहूं। देखो दुर्दाना ये बहुत गलत बात है, पता नहीं मैंने कितने जतन करके अम्मी अबू को वहां भेजा है। अगर अब तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ हुई ना तो मुझसे गिला मत करना, तुम खुद सोचो। अगर तुम उनसे मिलने ना गई तो वो क्या सोचेंगे, तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कितनी बेइज्जती महसूस होगी उन्हें। यही तो तुम्हें मैं बता रही हूँ, अम्मी ने इतनी सख्ती से मना कर दिया है मुझे खाला से मिलने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रही वो ऐसा चाह क्यों रही हैं आखिर। देखो मुझे नहीं पता खाला ने तुम्हें क्यों मना किया,
लेकिन जो भी हो इसका नतीजा हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। तुम खाला की बात को एक तरफ रख के उनसे मिलने चली जाओ। मगर अमजद मैं दुर्दाना दुर्दाना ये आखिरी मौका है। जरा सी गलती हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले जाएगी। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, समझी? तुम अभी जाके उनसे मिलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अब उनसे मिलने चली जाना। मैं के... वैसे एक बात है फहमीदा, तुम हो बहुत खुशकिस्मत हैं। अब जरा देखो ना जिस घर में तुम रह रही हो, अच्छे भले खाते पीते लोग ऐसे घरों में नहीं रह सकते, बल्कि रहने का सोच भी नहीं सकते। भला हुआ अयाज मामू का, कितने सालों से घर तुम्हें सौंप रखा है। ये कोई 10 साल से ज्यादा तो हो गए होंगे ना उन्हें जर्मनी में, कभी मुड़ के खबर नहीं ली उन्होंने, है ना? जी आपा, आप ठीक कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ फहमीदा, अब इस घर को तुम अपना ही घर समझो। मेरी मानो ना तो उनके जीते जी अपने नाम करवा लो घर। हैं? उनका है ही कौन, एक बेटा है, और वो अब कहाँ जर्मनी छोड़ के वापस पाकिस्तान आएगा, है ना? मेरा ख्याल है कि जो बात हम करने के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, वो बात करें। जी भाई, तुम भी तो मेरे साथ आए हो ना, असल मकसद की बात तुम कर लो। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही कर लेता। फहमीदा, हम अपने बेटे अमजद के लिए तुम्हारी बेटी दुर्दाना का रिश्ता मांगने के लिए। कहाँ जा रहे हो दुर्दाना? खाला और खालू से मिलने के लिए। देखो अभी तो मां नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं? मुझे अम्मी ने कहा है कि दुर्दाना को वहां मत आने देना। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हाँ अभी मुझे अमजद की कॉल आई है, वो मुझे कह रहा है कि मैं हर सूरत खाला और खालू से मिलूं, और तुम कह रही हो कि? देखो मैं तुम्हें सिर्फ वो कह रही हूँ जो मुझे अम्मी ने करने को कहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। तो फिर तो मैं लाजमी जाऊंगी। अरे फहमीदा क्या हो गया, बता भी दो कि हम कब लेकर आए बारात। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकती। क्या क्या नहीं देती आप? क्या आपने अपने और नजीब खालू के ताल्लुक को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया है? बस क्या बात है फहमीदा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, खामोश क्यों हो गई? अरे देखो फहमीदा, अगर तुम माजी की तलखियों को लेके परेशान हो तो मुझे भी तो देखो ना, मैं भी तो सब कुछ भूल कर यहाँ पे आई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। तुम भी सब कुछ भुला दो, बस हमें जल्दी से ये बता दो कि तारीख कौन सी रखनी है। अरे फहमीदा क्या हो गया, बता भी दो कि हम कब लेकर आए बारात। मेरा एक ही बेटा है, मैं तो धूमधाम से बारात लेकर आऊंगी और अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। बड़े अफसोस की बात है फहमीदा, तुम मेरे सामने ही आपा को कह रही हो कि मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ के वो तुम्हारी बेटी से कर दे। देखो फहमीदा, मुझे मालूम है कि अमजद आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अमजद का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन तुम साफ इनकार कर दे। साफ मना कर देना अमजद और दुर्दाना की शादी के लिए। अरे बोलो ना, तुम्हारे जवाब को इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। आपा, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो फहमीदा? क्यों फहमीदा, क्यों नहीं कर सकती तुम अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से? हैं? क्या कमी है हमारे बेटे में? आप दुर्दाना मेरी बेटी है, उसकी शादी का फैसला मैं करूंगी। मैं आपको इनकार की कोई वजह बताना जरूरी नहीं समझती। देखो फहमीदा, तुम खुल्लम खुला हमारी बेइज्जती,
हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, अपने बेटे का रिश्ता लेकर खुद तुम्हारे घर आए हैं और तुम हमें साफ इनकार कर रही हो। देख लिया नजीब अहमद, यही है ना वो फहमीदा जिसकी तरफदारी करते तुम थकते नहीं? इसी के साथ तुम्हें हमदर्दी है ना? इसी की बड़ी फिक्र होती है ना तुम्हें? अब कुछ बोलोगे इसे? ये सारी बातें मैंने ही बोलनी है। आपा, आप मेहरबानी करके यहां से चली जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को पता चले कि आप लोगों के आने की असल वजह क्या थी। चले जाए आप लोग। देखो फहमीदा, अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत करो। बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। आखिर ऐसी क्या बात है अमजद में कि मैं अपनी बेटी को उसके साथ रुखसत करूं? वो कोई काम काज नहीं करता, दर बदर भटकता रहता है। जो लड़का जिंदगी के किसी मैदान में कामयाब ना हुआ, मैं अपनी बेटी को उसके साथ कैसे ब्याह दूं? सुन लिया? उठो नजीब अहमद, उठो। फहमीदा बेगम, ये तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। अगर ऐसी बात थी तो दरवाजे से वापस मोड़ देती ना हमको। मैंने कहा था ना नजीब अहमद, ये औरत इस काबिल है ही नहीं कि इससे रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा भी जा सके। अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर यहां पे आ गई थी। चलो अब। तुम्हारी माँ ने पहले हमारी कम बेइज्जती की, जो तुम अब हमें यहाँ पे रुकवा के और बेइज्जती करवाना चाह रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं खाला। आप अम्मी को पता नहीं क्या हो गया। आप प्लीज मेरी बात सुने, आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगी, मैं आपसे बैठ के बात चुप कर जाओ। किस कदर बेशरम हो तुम दुर्दाना। माँ ने इनकार कर दिया रिश्ते से, अब अपने मुँह से हाँ करोगी? कोई शर्म आया है कि नहीं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। ना उसके पीछे आना और ना उसको अपने पीछे लगाना। अपनी माँ की तरह ना दूसरे मर्दों पे नजर रखना छोड़ दो। जो तुम्हारे नसीब में होगा तुमको मिल जाएगा। चलो खाला, खाला, खालू, खालू, आप प्लीज प्लीज समझाना खाला को। आप लोग क्यों जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनो कोई। मैं पूछती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा अम्मी? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोले ना अम्मी, बताए मुझे आपने किस बात का बदला लिया है मुझसे? जवाब चाहिए मुझे आपसे अभी, बताए ना मुझे। आप मुझे क्यों जवाब देंगे? आपके पास तो मुझे देने के लिए कोई जवाब है ही नहीं। आपको पता है अम्मी, आपकी खामोशी ना मुझे वो सोचने पे मजबूर कर रही है जो मैं चाह के भी नहीं सोचना चाहती हूँ। अपनी बेटी को कैसे बता सकती है कि उसने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है? बोले ना अम्मी, बताए मुझे। आप कह क्यों नहीं देती है अम्मी? कह क्यों नहीं देती है आप? क्या आपने अपने और नजीब खालू के ताल्लुक को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया है? बस शर्म नहीं आती है तुम्हें अपनी माँ से ऐसी घटिया बात कहते हुए? यही सब सुनने के इसी दिन के लिए तुम्हें पास पहुंच के बड़ा किया था ना? क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा मैंने? क्या
ساری ریاستوں کا صلہ۔ تم نے ایسی گھٹیا بات اپنے منہ سے نکال کیسے دی؟ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ امی کو کال کرتا ہوں۔ نہیں، وہ خالہ فہمیدہ کے پاس بیٹھی ہوں گی، کیسے بات کریں گی؟ کیا کروں؟ کیوں نہیں دی؟ بہت دیر ہو گئی انہیں وہاں گئے ہوئے۔ بتول، بتول ذرا موبائل لے کر آنا۔ ذرا ہاترا آپا سے میری بات کرانا۔ امی آپ اتنا بے چین کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جب رشتہ پکا ہو جائے گا آپ کو خود ہی کال کر لیں گی۔ خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو۔ کیا مطلب؟ نہیں وہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس سارے معاملے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا کہا ہے نا بس اتنا کرو۔ کیوں بھائی، کیوں نہ پڑھوں میں؟ آخر میرے کزن کا رشتہ طے ہو رہا ہے اور دردانہ بھی تو میری کزن ہے۔ ویسے امی جب ان دونوں کی شادی ہوگی تو کتنا مزہ آئے گا نا، میں تو بہت انجوائے کروں گی۔ اچھا جب ہوگی نا شادی تب کر لینا انجوائے، ابھی میری بات کراؤ حاجرہ آپا سے، بلکہ مجھے دو، میں خود ہی نمبر ملاتی ہوں۔ تم جاؤ نا آپ کمرے میں۔ اچھا اس کا فون تھا؟ رکیہ کا۔ تم نے بات کیوں نہیں کی؟ عجیب ہے، میں کیا بات کروں اس سے؟ اپنی بدنامی کے اشتہار لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے،
देखो उस फहमीदा ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तो ये सोच रही हूँ घर जाके अमजद को क्या बताना है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसने इनकार क्यों किया? भाई नजीब है, तुम वहां बैठे थे, तुम्हारे सामने मैंने इनकार की वजह पूछी और जवाब तुमने सुना था। सुना था, लेकिन बात कुछ और है। इनकार की वजह कोई और है। क्या मतलब है, क्या वजह हो सकती है इनकार की? कुछ और यही तो पता लगाना है कि इनकार की वजह क्या हो सकती है। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नजर आ रहा है। अच्छा रहने दो नजीब अहमद, तुम्हें ज्यादा खोजी बनने की जरूरत नहीं है। भाई जो बात सच है वो ये है कि ना सिर्फ फहमीदा ने रिश्ते से इनकार किया बल्कि हमें बेइज्जत करके अपने घर से भी निकाल दिया। अब तुम दोनों बाप बेटा मुझसे शिकायत नहीं कर सकते, मैं तो अपना दिल शीशे की तरह साफ करके गई थी। वो तो ठीक है, मगर मगर क्या मगर अगर की कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई। भाई उसने रिश्ते से इनकार कर दिया, मैं तो ये सोच रही हूँ कि घर जाके अमजद को कैसे समझाना है। और मैं तो कहती हूँ नजीब अहमद, ये फहमीदा का सफा जो है ना, अपनी जिंदगी से फाड़ के फेंक दो। अब डबल रोटी अंडे लेने यहाँ पे रुकना। अब ये काम भी मैं करूं? आ गए आप लोग। आप लोग कैसे चुप चुप क्यों हैं? क्या हुआ, क्या बात हुई आपकी खाला फहमीदा से? देख अमजद बेटा, अब तू हम दोनों से कोई गिला नहीं कर सकता। हमारे बस में जो था वो हमने कर दिया। अब कहना क्या चाह रही हैं आप? बेटा मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग रिश्ते से इनकार कर देंगे। अगर मुझे इस बात की जरा से भी खबर होती ना तो तुझे अपने साथ लेके जाती ताकि तू अपने कानों से सुन लेता। आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? अमजद मजाक तो फहमीदा ने हम सबके साथ किया। पहले तुम लोगों को ख्वाब दिखाती रही और जब वक्त आया तो हम लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे सामने वो अल्फाज नहीं दोहरा सकती जो उसने तुम्हारे बारे में हम लोगों को कहे। मैं नहीं मान सकता अम्मी, मैं नहीं मान सकता कि खाला फहमीदा ऐसा कुछ कह सकती हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे मालूम था, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, मुझे झूठा समझोगे। मैंने कहा था ना नजीब अहमद, ये हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। हमेशा ऐसा ही होता है, उसके झूठ को भी सब सच मानते हैं। पर हमारे तो सच पे भी कभी किसी ने कान नहीं धरे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तो जाओ अपनी खाला के पास, खुद जाके यकीन कर लो। लेकिन एक रहम करना हम पे, उसकी बातें सुनने के बाद ना जाके किसी ट्रेन की पटरी पे मत लेट जाना, क्योंकि इससे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तुम्हारी मां जीते जी बर्बाद हो जाएगी। समझे तुम? अमजद, अमजद! अजीब अहमद, इसे रोको, जाओ इसके पीछे, कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, जाने दो उसे। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह है ना तो चले जाओ यहां से। मुझे और मेरी बेटियों को माफ कर दो खुदा के लिए। यह अच्छा नहीं कर रही खाला। वो कैसे इनकार कर सकती है? वो तो अपनी बात पूरी करो नजीब अहमद, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाकर उससे बात करूँ। आखिर फहमीदा ने इनकार क्यों किया? वो तो खुद यही चाहती थी। फिर कोई बात तो जरूर है, मगर क्या बात हो सकती है? इतनी आसानी से हाजरा फहमीदा के घर जाकर रिश्ते की बात करने के लिए तैयार कैसे हो गई? उसका तो नाम सुनकर उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। फिर कैसे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। जरूर इसमें कोई राज है।
हाजरा आपा मेरी बेटी के साथ ज्यादती करेंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेगर रिश्ता करना नहीं था तो बात चलाने की जरूरत क्या थी? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें हाजरा आपा से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी हाजरा आपा से बात। लो, मुझे क्यों बात करने की जरूरत नहीं है? से कसम ले लो, मेरे दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं, अब इतनी सी बात पर हम झगड़ा तो नहीं कर सकते ना उनके साथ, वो हमारी बड़ी हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया तो सोच समझ कर ही किया होगा। किसका फोन है? हाजरा आपा का। कहाँ गायब हो गई थी आप? कब से मैं इंतजार की सूली पर लटक रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी आप। अरे कैसे सुनती मैं तुम्हारा फोन, नजीब अहमद मेरे साथ था और मैं नहीं चाहती कि उसे जरा सा भी शक हो। तुम तो जानती हो उसे अच्छी तरह, फहमीदा की खातिर मुझ जैसी 100 कुर्बान करते। हाँ ये तो है। अच्छा जल्दी से बताएं, आप वहाँ गई थी, क्या हुआ? सब कुछ हमारे मनसूबे के ऐन मुताबिक हुआ है। सच्ची आपा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फहमीदा ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। शुक्र है मेरे अल्लाह का। आपा मेरी तो सोच सोच कर जान निकल रही थी कि कहीं फहमीदा बदनीयती ना हो जाए, हम उस पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक कह रही हो तुम, उस पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, मगर तुमने दाना ही ऐसा डाला था, उसे ना वो निगल सकती थी और ना ही उगल सकती थी। सच बताओ रुकैया, पहली मरतबा ना मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई, ऐसे लग रहा था जिंदगी भर के सारे बदले पूरे हो गए। आपा, अमजद को बताया आपने? वो क्या कहता है? हाँ बता तो दिया है मैंने अमजद को, मगर इस बात पे यकीन करने में अभी उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरी बात सुनते ही पागलों की तरह घर से बाहर चला गया, मुझे तो लगता है फहमीदा के घर ही गया होगा। आपा फहमीदा को आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, हमें जल्द से जल्द अमजद और बतूल का निकाह कर देना चाहिए। अरे रुक गया, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बतूल इंशाल्लाह अमजद की ही दुल्हन बनेगी। ये तो सारा ड्रामा मैंने तुम्हारे कहने पे किया है, वरना अमजद को मेरी बात माननी ही पड़ती। अभी मैं इतनी कमजोर नहीं हुई रुकैया कि फहमीदा की बेटी को अपनी बहू बनाने पे मजबूर हो जाऊँ। कुछ दिन अमजद को सर टकराने दो फहमीदा के घर की दीवारों से, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा ये नशा, मगर मुझे यकीन है कि उतर जरूर जाएगा। आप जैसे आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसे ही करें, मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है, आप जो करेंगी वो ठीक ही होगा। दुर्दाना सो गई जी अम्मी, रो रो कर इसने अपने सर में दर्द कर लिया था, बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया इसे। आपने ऐसा क्यों किया है? आप तो जानती थी ना दुर्दाना और अमजद एक दूसरे को पसंद करते, फिर भी? बेटा इंसान को वो सब कुछ नहीं मिलता है जिसकी वो ख्वाहिश करे या जिसे पसंद करे। सब कुछ तो कभी अल्लाह ताला से भी नहीं मांगा अम्मी हमने। मेरे बस में होता तो सारे जहां की खुशियां तुम दोनों की झोलियों में भर देती, मैं मजबूर बेबस हूं। मजबूर? कैसे मजबूर हैं अम्मी आप बताएं तो सही हमें एक बार अपनी मजबूरी। तुम्हारा कल पेपर है ना? जी। सारी बातें भुला के अपने पेपर की तैयारी करो, अपने दिमाग को इन बातों में मत उलझाओ। अब बी ए कर ही रही हो तो पेपर्स भी अच्छे नंबरों से पास कर लो। जिंदगी जिनका इतना कड़ा इम्तिहान ले रही हो वो बी ए के इम्तिहान की क्या परवाह करेंगे?
फहमीदा खाला कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। अपने कमरे में। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जो कुछ अम्मी ने मुझे बताया मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि वो सब झूठ है। गुलास, अपने कमरे में जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करने वाली। क्यों? क्यों नहीं कर सकती अब अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हारी माँ को दे चुकी हूँ अमजद। जो कुछ अम्मी ने मुझे बताया वो आप मेरे बारे में कभी नहीं कह सकती। खाला, मैं अम्मी से ज़्यादा आप पे एतबार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार बताएं कि आपने इनकार क्यों किया। मुझे बताएं मुझ में क्या खामी है ताकि मैं उनको दूर कर सकूं और आपकी बेटी के काबिल बन सकूं। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मुझ पर रहम करो, खुदा के वास्ते चले जाओ यहाँ से। खाला, मैं यहाँ से चला गया तो थाना को क्या जवाब देंगी आप? कैसे समझाएंगी उसे? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दुर्दाना मेरी बेटी है, मैं जैसे भी उसे समझाऊं। तुम यहां से चले जाओ और तुम्हारी अम्मी जहां भी चाहती है ना तुम्हारी शादी करना, वहां कर लो। खाला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अम्मी तो मेरी शादी दुर्दाना से करना चाहती थी, इसीलिए तो वो आई थी यहां आपके पास। इनकार तो आपने किया है, वो तो मेरी खातिर अपने सारे इख्तलाफात बुलाकर आई थी यहां रिश्ता लेकर। अमजद, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा मत करो। खाला, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, प्लीज़ बताएं क्या बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही अमजद, मैं दुर्दाना की शादी तुमसे नहीं करना चाहती। कितनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? नहीं समझ आ रही मुझे ये बात, कल तक तो आप कुछ और चाहती थी, ये अचानक एक दो दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप बिल्कुल ही बदल गई हैं? खाला, मैं नहीं जानता मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने तो अम्मी से बढ़ के आपकी इज्जत की है, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें। बस अमजद, बहुत बातें सुन ली तुम्हारी, अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं खाला, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं मोहब्बत करता हूँ दुर्दाना से और वो भी मुझे पसंद करती है, आप हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हैं खाला? प्लीज़ खाला, अपना फैसला बदल दें, हम दोनों की खुशियों की खातिर अपनी जिद छोड़ दें। नहीं अमजद, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरी मजबूरियों को समझो खुदा के लिए। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह है ना तो चले जाओ यहाँ से, मुझे और मेरी बेटियों को माफ कर दो खुदा के लिए। यह अब अच्छा नहीं कर रही खाला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। फहमीदा, क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ अम्मी जान? अरे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मुझे बता दिया करो ना। माना मैं नकारा हूं, ज़ईफ़ हूं, किसी काम की नहीं हूं, लेकिन इस घर की बड़ी तो हूं ना मैं। अरे मेरी उम्र का ही कुछ लिहाज कर लिया करो, क्यों आई थी तुम्हारी चचेरी अपने शौहर को लेके? अब फिर कोई गुनाह कर दिया तुमने? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है अम्मी जान, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप ही मुझे गुनाहगार समझ बैठी है ना? कोई गुनाह नहीं किया है मेरे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप ही मुझे गुनाहगार समझती है, मुझे सब गुनाहगार समझते हैं। या अल्लाह, मैं कैसे साबित करूं अपनी बेगुनाही को? कहां से लाऊं अपने किरदार की सनद? नजीब अहमद, देखो ना अमजद अभी तक घर वापस नहीं आया, इतनी रात हो गई है।
आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? कैसे बाप हो तुम नजीब अहमद, तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? पहले भी एक दफा खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है वो। तो क्या करूं, पीछे चला जाऊं उसके? कोई बच्चा तो नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज है उसे, आ जाएगा, तुम मुतमईन रहो। तो समझ में नहीं आ रही कि ये फहमीदा मुझसे किस चीज का बदला ले रही है। पहले अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया, अब वो जब उसके इश्क में पागल हो गया तो हमें रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ नजीब अहमद, मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैंने किसी को माफ नहीं करना, तुम्हें भी नहीं। तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे फहमीदा ने मेरे कहने पर इनकार किया। मैंने अब तक तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन तुम कह रहे हो तो ऐसा हो तो सकता है ना। अरे बस बस, ऐसा सोचना मत शुरू कर देना, वो तो मैंने बस ऐसे ही बात कर दी है। वैसे मुझे अब तक फहमीदा के इनकार की वजह समझ नहीं आ रही, वो कैसे इनकार कर सकती है? वो तो अपनी बात पूरी करो नजीब अहमद, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद जाकर उससे बात करूँ, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात की लाज रखेगी। क्या जरूरत है तुम्हें उसके पास जाने की नजीब अहमद? अभी कम बेइज्जती की उसने हम सब की? देखो नजीब अहमद, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम वहां नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। देखो जब हमने अमजद की शादी दुर्दाना से करने का फैसला कर ही लिया है तो इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत क्या है? एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। अरे दोबारा कोशिश करने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी उसने, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ अगर सोचने का थोड़ा वक्त मांगती, कोई उम्मीद दिलाती तो भी हम दोबारा चले जाते, मगर अब नहीं। तो मैं किसी सूरत उसकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, चाहे वो खुद आके अपनी बेटी को मेरे दरवाजे पर छोड़ जाए, समझे? सब खुदा का नजीब अहमद, इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी भी तुम्हारे मुंह का जायका नहीं खराब हुआ? अभी भी वहां जाने का सोच रहे हो तुम? कहां गए थे तुम?